press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello, we are in Russia. आज हल्के असम्बली बहादुरपुरा काउंसिलसी टीआरएस ऑफिस पर आज 26 जनवरी का परिणाम रखा गया है। आज 26 जनवरी हम मना रहे हैं, 70 साल में दाखिल हो चुके हैं और आपने देखा हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान की तालीमी काबिलियत आज सारे दुनिया में नाम रोशन कर रही है। ऐसे ही जुस्तजू और ऐसे ही हमारी मेहनत रही तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान सारी दुनिया में नंबर वन रहेगा। और रहा सवाल हमारे ख्वातीन जो खासकर बहादुरपुरा काउंसिलसी के जो सलम एरिया में रहते हैं, वहाँ पे हमारे एक टेलरिंग सेंटर अमरा टेलरिंग सेंटर चलता है। ये पहले एक सेंटर हमने यहाँ दाखिल किया था, इसकी सरपरस्ती इसकी मेहनत समीना उन्निसा ने बहुत ही जुस्तजू से एक मशीन रखते हुए ये सेंटर को कायम किए थे। आज ये सेंटर इंशाअल्लाह 4 सेंटर हो चुके हैं और ये खासकर सारे हैदराबाद में बहुत मशहूर हो चुका है सेंटर, क्योंकि ये टेलरिंग सेंटर एक मॉडर्न तरीक़े से इसको यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। ये इसकी मेहनत का सर समीना उन्निसा के सर जाता है, उन्होंने अकेले ही इस मंजिल को कामयाबी की तरफ रवाना किया और इसका साथ
यहाँ के बस्ती के कुछ चंद लोग दिए हैं। आज मैं इन लड़कियों को खासकर सर्टिफिकेट देते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इनकी जो भी मैं तालीम देखा हूँ और इन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल किए हैं और इनके जो सैंपल बने थे, वो सैंपल देखने के बाद बड़ी खुशी महसूस हुई कि ये बच्चियाँ आज इस काबिल हो चुके हैं कि घर में गोशे पर्दे में रहकर 1000 रुपये डेली कमा सकते हैं। इतनी काबिलियत इनमें आ चुकी है और मैं ये खासकर इन बच्चियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अपील करता हूँ कि आप ये हुनर सीखकर अपने बस्तियों में भी ऐसे ही सेंटर कायम करें और ऐसे ही बच्चों को तालीम की तरफ या ये ट्रेनिंग की तरफ रागिब करें, तो हम कहीं किसी के मोहताज नहीं रह सकते। खासकर क्योंकि ये बहादुरपुरा काउंसिलसी में सलम एरिया है, गरीब गुरबा ज़्यादा रहते हैं और इनको रोज़मर्रा की जो खर्च होते हैं उसकी ज़रूरत के लिए काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन आज ये हुनर सीखने के बाद ये महसूस होता है कि घर में बैठकर इज्जत के दायरे में 1000 रुपये डेली कमा सकते हैं, जो महाना 30000 रुपये होते हैं। बड़ी खुशी महसूस हो रही है और मैं ख़ासकर ये सेंटर के जो सदर हैं समीना उनिसा, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनको मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत महसूस हुई और आप जहाँ पे भी सेंटर आना चाह रहे हैं, मैं आपके लिए हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हूँ।